नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और लॉस से परेशान हैं या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरा वीडियो को देख लीजिए, शायद आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। आज को मैं ऑप्शन के ऊपर बेस करके वीडियो बनाने जा रहा हूँ, स्पेशली अगर आप स्टॉक ऑप्शन में काम करना चाहते हैं। जैसे देखिएगा, मार्केट में भी मैक्सिमम ट्रेडर का एक क्रेज़ है जो सब कोई निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में ही काम करना चाहते हैं। बट बैंक निफ्टी, जैसे हम लोग को सबको पता है, बहुत ही फ्लैक्चुएट होता है, निफ्टी फिर भी ठीक है। एंड अगर आपको प्रॉफिट से मतलब है तो मैं बोलूँगा जो आप निफ्टी बैंक निफ्टी का साथ साथ बाकी का जो स्टॉक ऑप्शन है उसमें भी काम कर सकते हैं। भले ही वहाँ पर लॉट थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, बट अगर आपको कन्फर्मेशन सही मिलेगा तो आप एक कॉल में ही दिन का सारा पैसा निकाल सकते हैं। तो बेटर होता है जो कन्फर्मेशन सही करने के लिए हम लोग कॉल्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए, आज को मैं टाटा कंज्यूमर का एक चार्ट खोला हूँ। अगर मैं फ्यूचर में देखूंगा तो फ्यूचर का इसका लॉट होता है 900 रुपीज़। तो फ्यूचर में तो हम लोग काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। तो हम लोग ऑप्शन में कैसे काम करेंगे, सबसे पहले देखिए टाटा कंज्यूमर का जस्ट एक इंडेक्स का चार्ट लगाया हुआ है। तो हम लोग कॉल को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तीन चीज़ को सबसे पहले इंपॉर्टेंस देना है। एक होता है मार्केट का जो फ्लो है वो किधर है, मतलब मार्केट का जो ट्रेडर है वो किधर जाना पसंद करता है। तो चार्ट का अंदर देखिए, मैं मार्किंग करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर सर्कल बना रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको एक इंडिकेटर दिखाई देगा जिसका तीन कलर है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। इसे हम लोग आरजीबी कहते हैं। आरजीबी का फुल फॉर्म है आर फॉर रेड, जी फॉर ग्रीन एंड बी फॉर ब्लू। तो आरजीबी का इंडिकेटर का हिसाब से रेड लाइन जिधर रहेगा मार्केट का ट्रेंड उधर ही रहता है, मतलब रेड ऊपर है और ब्लू नीचे है, इसका मतलब है दिस इज द बाइंग ट्रेंड। तो मैं अगर टाटा कंज्यूमर का चार्ट देखूँ तो सुबह से मुझे दिखाई दे रहा है मार्केट का जो ट्रेंड है वो बाइंग ट्रेंड है। अब ट्रेंड तो आपको पता चल गया, बट एंट्री कहाँ पर होगा, कहीं पर भी घुस जाने से नहीं होगा। एंट्री लेने का एक्चुअल लोकेशन कहां पर है उसके लिए नीचे वाला इंडिकेटर पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहां पर मैं कुछ सर्कल बना रहा हूं, देखिए यहां पर ये दोनों लाइन क्रॉसओवर होके ग्रीन हुआ था, यहां पर ये दोनों लाइन क्रॉसओवर होके रेड हुआ था, और थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो यहां पर भी ये दोनों लाइन क्रॉसओवर होते हुए ग्रीन दिख रहा है। पहला बात है, आज को मार्केट यहां पर ओपन हुआ है, तो अगर मैं अगले दिन का क्रॉसिंग का बात करूं तो ये अगले दिन का क्रॉसओवर है ये दोनों लाइन। तो ये दोनों लाइन जहां पर क्रॉसओवर होता है वो एक फ्रेश एंट्री हम लोग मानते हैं। तो ये तो अगले दिन का पोजीशन है, यहां पर हम लोग नहीं करेंगे। ये जो दोनों लाइन का क्रॉसओवर हुआ है रेड का, ये सेलिंग के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर में जो आरजीबी इंडिकेटर है आपको बता रहा है, जो आरजीबी के हिसाब से मार्केट का जो ट्रेंड है टाटा कंज्यूमर का, ये ऊपर का तरफ है, मतलब बाइंग ट्रेंड है। यहां पर सेलिंग का क्रॉसओवर लागू होगा ही नहीं। तो फाइनली अगर हम लोग वेट करते इस कैंडल पे, मुझे दिखाई दे रहा है इस कैंडल पे या इस कैंडल पे आप बोल सकते हैं, जहां पर ये दोनों लाइन क्रॉसओवर होके इसका कलर ग्रीन हो गया, और ये क्रॉसओवर आपको जीरो का ऊपर होना चाहिए। जीरो मतलब मिडिल में आपको एक व्हाइट लाइन दिखाई दे रहा, देखिए राइट साइड में लिखा है 0.00। तो इस वैल्यू का ऊपर ये दोनों लाइन का क्रॉसओवर होना बहुत ही जरूरी है। देखिए एक क्रॉसओवर बाइंग के लिए ये भी था और ये भी था, बट इस ये दोनों में से अगर कंफर्मेशन बताया जाए तो जीरो का ऊपर जो दोनों लाइन क्रॉसओवर होता है तो आपको उसी को फाइंड आउट करना है। क्रॉसओवर बहुत टाइम होता है, बहुत टाइम जीरो का नीचे से भी होता है, उसमें भी पैसा मिलता है, ऐसा नहीं जो वो अचीव नहीं होता है। बट हम लोग को ढूंढना है कहाँ का क्रॉसओवर जीरो का ऊपर हो रहा है बाइंग का टाइम, और सेलिंग का टाइम जीरो का नीचे हो रहा है। जैसे ये जो सेलिंग का क्रॉसओवर हुआ है ये सही नहीं है, ये क्रॉसओवर को जीरो लाइन का नीचे होना चाहिए। तो देखिए सुबह से लेके 10, 10:30 बजे तक आपको वेट करना पड़ा, और इस टाइम ये दोनों लाइन का क्रॉसओवर हुआ। जब क्रॉसओवर होगा आपका पास यहाँ पर स्कैनर है इस क्रॉसओवर के ऊपर बेस करके, तो जैसे क्रॉसओवर होगा आपको मैसेज मिल जाएगा जो टाटा कंज्यूमर में एक बाइंग का कॉल या बाइंग का पोजीशन क्रिएट हुआ है। अब हम लोग को चेक करना पड़ेगा जो ऊपर का जो आरजीबी का इंडिकेटर है उसका ट्रेंड किधर है। आरजीबी आपको बता रहा है जो ट्रेंड ऊपर की तरफ है, मतलब जिस टाइम बाय का पोजीशन बन रहा है ट्रेंड सही है, और नीचे का ब्रिक्स का कलर ग्रीन होगा और ये अगर ब्राउन को तोड़ देगा तो कॉल आपका बहुत ही कंफर्म हो जाएगा। तो ये तीन चीज को देखना है, सिग्नल किसका ऊपर बेस करके बन रहा है, क्रॉसओवर के ऊपर बेस करके, मतलब मिडिल वाला इंडिकेटर का जितना बार आपको क्रॉसओवर होगा उतना बार आपको सिग्नल मिलेगा। अब आपको चेक करना है जो बाइंग के लिए क्रॉसओवर इस जीरो लाइन का जस्ट ऊपर में ही होना चाहिए, पहला चीज। अगर ये मैच हुआ तो सेकेंडली आपको आरजीबी इंडिकेटर में देखना है रेड ऊपर एंड ब्लू है या नहीं नीचे, तो इसका मतलब है ट्रेंड भी बाइंग के लिए है, और ब्रिक्स वाला इंडिकेटर जो मैं बार बार फॉलो करता ही हूँ जिसका कलर ग्रीन होना चाहिए और ब्राउन को तोड़ेगा। तो ये तीनों पैरामीटर अगर एक साथ मैच होता है इसका मतलब है ये कॉल सही है या ये लोकेशन सही है बाई करने के लिए। अब सोचिए इसी टाइम हम लोग अगर फ्यूचर में काम नहीं करते तो हम लोग इसका ऑप्शन लगा लेंगे।
876 वैल्यू चल रहा था, तो मैं 880 का कॉल का चार्ट लगाऊंगा मार्केट ऊपर जाने से। तो देखिए सेम लोकेशन में मैं 880 का एक कॉल का चार्ट लगा लिया। इस टाइम मार्केट का वैल्यू चल रहा था 8 रुपया या 8 रुपया 25 पैसा। अगर 900 रुपया का 900 का लॉट साइज का हिसाब से भी आप कैलकुलेट करते हैं, तो भी देखिए आप अगर एक लॉट खरीदते हैं तो भी आप आराम से 10,000 का अंदर यहाँ पर बना पाएंगे, मतलब एंट्री ले सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपको 2 पॉइंट भी मिल जाता है तो भी आपका 2,000 रुपीज़ का प्रॉफिट मिल जाता है। तो देखिए देखते देखते विद इन 2 कैंडल ये देखिए आपका जो 2 रुपया का प्रॉफिट हम लोग का एक्सपेक्टेशन था, तो 2 रुपया प्रॉफिट दे दिया। मतलब अगर आप 900 रुपया का भी लॉट साइज होता है तो 2 रुपया में आप आराम से यहाँ पर 1,800 रुपया प्रॉफिट बना रहे। तो मैं जिस यही चीज़ बोलना चाहता हूँ, सिर्फ निफ्टी में ही काम करना है, बैंक निफ्टी में काम करना है ऐसा नहीं है। कंफर्मेशन को ढूंढिए, पहले अपना एक ग्रुप बना लीजिए जो ग्रुप आपका कैपिटल को सूट कर रहा है, और उसका अंदर जहाँ पर एक कंफर्मेशन वाला कॉल मिलेगा आप ट्रेड ओनली उसी में कीजिए। तो अल्टीमेट देखिए देखते देखते अगर देखा जाए तो मार्केट में यहाँ पर ऑलरेडी 11 रुपया 80 पैसा, अगर और थोड़ा वेट करते हैं तो देखिए यहाँ पर मार्केट में ऑलरेडी हाई मार दिया था। इस जगह पे देखिए हाई मारा था आपका 16 रुपया। मतलब आप यहाँ पर बाय का कॉल जब दे रहा था तब 8 रुपया का आसपास कॉल था, यहाँ पर 16 रुपया, मतलब 8 पॉइंट का मूवमेंट हुआ है। 900 का क्वांटिटी है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो आप कितना रिटर्न ला सकते हैं जस्ट एक कॉल में। तो अगर आप ऑप्शन बायर्स हैं तो मैं एक ही चीज़ बोलूंगा, पर्टिकुलरली निफ्टी बैंक निफ्टी 50 निफ्टी का पीछे मत रहिए। बाकी कुछ स्टॉक को भी आपका लिस्ट में लगाइए जहां पर कंफर्मेशन मैच होगा। कंफर्मेशन के लिए जैसे मैं जो टेक्निक को बताया, जो ये दोनों इनका क्रॉस ओवर होना चाहिए, वो भी 0 लाइन का एग्जाम ऊपर होना चाहिए, उसी टाइम आरजीबी फॉर्मेशन आपका मैच होना चाहिए और ब्रिक्स आपका फेवर में होना चाहिए। इस टाइम आपको ऑप्शन में काम करना है और उस रिटर्न हिसाब से आप यहाँ पर एक अच्छा रिटर्न ला सकते हैं। तो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बोलिएगा, अच्छा लगने से लाइक शेयर जरूर कीजिए। फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। मन में कोई भी डाउट या क्वेरीज रहा दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लाइव डेमो के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप न्यू है अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो हम लोग का थ्रू अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, जैसे हम लोग एलिस ब्रोकर के साथ काम करते हैं, काफ़ी अच्छा ब्रोकर कंपनी है, काफ़ी सारा फैसिलिटीज भी दे रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बोलिएगा। अगर आप मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट है वीडियो को देख रहे हैं, लाइक शेयर जरूर कीजिए और एक कमेंट को कीजिए ताकि जो न्यू क्लाइंट हो उसको इसका बेनिफिट के बारे में पता चले। थैंक यू।